हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू चैनल आइडिया जो कि दोस्तों एक प्रकार से किड्स कंटेंट है। और दोस्तों अभी किड्स कंटेंट काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस तरह के कंटेंट को सिर्फ बच्चे लोग ही देखना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे किड्स वीडियोज होते हैं जिसको बच्चे के अलावा हर कैटेगरी के लोग देखना पसंद करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ इसी तरह के चैनल आइडिया के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसको हर कैटेगरी के लोग भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको YouTube पर एक ऐसे चैनल को आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्च बारे में जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों हम सर्च मारेंगे प्ले विथ मानस कुछ इस तरह से। तो प्ले विथ मानस सर्च मारने के बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला चैनल आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसके चैनल पर 3,63,000 सब्सक्राइबर है अभी। अब चलिए दोस्तों मैं इसके कॉन्टेंट को आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं इसके चैनल में जाऊंगा और अब मैं शॉर्ट्स में जाऊंगा। और दोस्तों मैं आपको शॉर्ट वीडियो के बारे में बताने वाला हूं क्योंकि अभी इस तरह के शॉर्ट्स काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। चलिए दोस्तों मैं इसके व्यूज को आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे व्यूज है 2.8 करोड़ यानी कि दोस्तों 28 मिलियन व्यूज, और यहां पे है 1.9 करोड़ यानी कि दोस्तों लगभग 20 मिलियन व्यूज। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहां पे 1.6 करोड़, यहां पे 77 लाख, यहां पे 75 लाख। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहां पर ये कितना ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि दोस्तों इस पर इतना ज्यादा व्यूज आया है तो इसकी कमाई भी काफी ज्यादा हुई होगी। और दोस्तों इस तरह की वीडियो को आप सिर्फ 1 मिनट से कम समय में ही आप बना सकते हैं। चलिए मैं इसके वीडियो को प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कबूतर मोर, आप देख सकते हैं दोस्तों ये किस तरह से कर रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर दोस्तों ये बैलून को फोड़ रहा है और बोल रहा है तोता कबूतर। आप सुन सकते हैं फिर से तोता कबूतर मोर हंस हंस। लाइक एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वीडियो काफी कम सेकंड के है, लगभग 10 सेकंड के अंदर के ही वीडियो है। और आप देख सकते हैं कि दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बैलून को फोड़ रही है और बोल रही है तोता कबूतर मोर कुछ इस तरह से। आप सुन सकते हैं तोता कबूतर। और इस तरह से ये लास्ट में बोल देती है लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे कि दोस्तों इसको लाइक भी काफी ज्यादा मिल जाते हैं। चलिए मैं एक दूसरा वीडियो को प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं रिसेंट वाला वीडियो को प्ले करता हूँ, आप सुन सकते हैं आइसक्रीम। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो को आप भी बना सकते हैं। आप इस तरह के वीडियो को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। घोड़ा शेर बाघ। लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अभी आपने देख लिया कि दोस्तों ये किस तरह से ये वीडियो को बनाया गया है। यहाँ पे 4 बैलून रहती है और इसको ये औरत फोड़ती है और बोलती है हाथी घोड़ा शेर बाघ। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों आपको इस तरह की वीडियो को कैसे बनाना है। तो इसके लिए दोस्तों यानी कि आपको इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको सबसे पहले 4 बैलून को कहीं से लाना होगा, या दोस्तों आप बैलून के एक पैकेट को भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों उस बैलून को फुलाकर दीवार पर चिपकाना होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ज़्यादा जानने के लिए दोस्तों आप इसके चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बैलून वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले कहीं से बैलून को खरीद के ले आइएगा, उसके बाद उसको फुला करके आपको दीवार पर चिपका देना है। और इसके बाद आपको कोई भी डंडा या चाकू वगैरह को लेकर इसी के वीडियो के तरह आपको बैलून पर मारकर बोलना है तोता कबूतर बाघ घोड़ा कुछ इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं कि दोस्तों इस वीडियो में आम आ रहा है, अंगूर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको वीडियो को बनाना है और इस तरह की वीडियो को आप कुछ ही सेकेंड में बना सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये बैलून पर मारने के बाद आम अंगूर अमरूद कुछ इस तरीके से आता है, यहाँ पे तरबूज। तो ये आपको कैसे करना है, तो ये दोस्तों आप किसी भी एडिटिंग एप्लीकेशन से कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करने आता है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। आप एडिटिंग के दौरान यहाँ पे लगा सकते हैं फोटो वगैरह को। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के चैनल के कैटेगरी वगैरह को क्या रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह की वीडियो में बैलून पर मारने के बाद हाथी गोरा ये मैम बोलती है, और इस तरह की वीडियो को बच्चे लोग देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो इससे दोस्तों बच्चों को सीख मिलती है कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये बाघ है, यानी कि दोस्तों इससे उसको एक एजुकेशन मिलता है। जैसे यहाँ पर बैलून पर मारने के बाद तोता आता है, कबूतर आता है, मोर आता है, तो इसको बच्चे लोग देखकर सीखते हैं कि ये तोता है, ये कबूतर है, ये मोर है, ये हंस है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो से बच्चों को एक प्रकार की शिक्षा मिलती है।
तो इसलिए दोस्तों इसका कैटेगरी को आप एजुकेशन रख सकते हैं। तो आप कैटेगरी में क्या सेलेक्ट कीजिएगा, तो एजुकेशन कुछ इस तरह से। यानी कि दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद उस बच्चा को एक शिक्षा मिलती है कि ये मोर है, ये कबूतर है, ये शेर है, ये बाघ है, कुछ इस तरह से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसका कैटेगरी को आपको एजुकेशन रखना है। अब चलिए मैं आपको एक और सेटिंग को बताता हूँ। तो वह सेटिंग यह है कि दोस्तों आपको वीडियो अपलोड करते समय यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। एक रहेगा यस इट्स मेड फॉर किड्स और दूसरा रहेगा नो इट्स नॉट मोर फॉर किड्स। यानी कि दोस्तों ये पहला है सिर्फ बच्चों के लिए। अगर आप ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका वीडियो सिर्फ बच्चे के पास जाएगा, वो हम जैसे क्रिएटर के पास रिकमेंड नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों यस इट्स मेड फॉर किड्स सेलेक्ट करने के बाद आपका वीडियो सिर्फ बच्चों को ही दिखाया जाएगा, बाकी कोई भी इस वीडियो को नहीं देख सकता है। और यहाँ पर है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स ये वाला। तो इसको सेलेक्ट करने से यह होता है कि दोस्तों आपके वीडियो को हर कैटेगरी के लोग देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों उसको बच्चा भी देख सकता है, जवान भी देख सकता है और बूढ़ा भी देख सकता है अगर उसको उसमें इंटरेस्ट है तो। तो दोस्तों मैंने जो वीडियो के बारे में बताया है उस वीडियो को लगभग सभी कैटेगरी के लोग देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली से यहाँ से दूसरा वाला सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ये नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स ये वाला। तो इतना करने के बाद दोस्तों आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।